तो तनवीर अली हमारे संवाददाता ज्यादा अपडेट के साथ बहादुराबाद से जुड़ चुके हैं। तनवीर, आपसे जानना चाहेंगे, जो सीएम का यह हरिद्वार दौरा है, इसे लेकर क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी, मैं आपको बता दूं, आज हरिद्वार में पहुंचे हैं उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। आज इनके 4 से 5 प्रोग्राम है पूरे हरिद्वार में, उसी के चलते आज वो सिडकुल के एक गार्डनिया होटल में प्रोग्राम में पहुंचे हैं, जिसमें विवेकानंद विचार मंच द्वारा एक विचार गोष्ठी है, साथ ही जो उद्यमी है उनका भी एक उद्योग व्यापार को लेकर एक सम्मेलन उन्होंने रखा हुआ है। दोनों प्रोग्राम ही कंबाइंड चल रहे हैं, उसी में शिरकत करने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री, साथ में कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक और यशपाल आर्य और कई विधायक भी प्रोग्राम में मौजूद हैं। जी, इन कार्यक्रमों में पहुंचकर जो शिरकत की है बाकी मंत्रियों ने और त्रिवेंद्र सिंह रावत सीएम ने, तो इन कार्यक्रमों के माध्यम से क्या कुछ बात कही है, किस तरीके से उन्होंने अपनी पेशकश रखी है कि आने वाले समय में क्या कुछ कहा है उन्होंने इन कार्यक्रमों के जरिए? जी, जो विवेकानंद विचार गोष्ठी है उसमें विवेकानंद जी के जो जीवन है और उनके जो विचार थे उस पर प्रकाश डाला जा रहा है उनके द्वारा ही, और जो विचार मंच के लोग हैं, साथ ही उद्यमियों से भी बात की जा रही है, जो आज के टाइम में परेशानी आ रही है उद्यमियों को या किसी तरह की कोई सुविधा है उन्हें सरकार द्वारा चाहिए, उसी को लेकर ही आज वो अपनी बात मुख्यमंत्री के सामने रख रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री सभी समस्याओं का निदान करने के उनको आश्वासन दे रहे हैं। जी, साथ ही साथ तनवीर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आज हरिद्वार दौरे पर जो सीएम रावत पहुंचे हैं और कितने कार्यक्रमों में वो आज शिरकत करेंगे और किस तरीके के कार्यक्रमों में वो भाग लेंगे? जी, अभी जो शिडकुल का प्रोग्राम है उससे पहले भी वो एक प्रोग्राम में हरिद्वार पहुंचे थे और शिडकुल के प्रोग्राम के बाद भी एक शंकराचार्य जी का हरिद्वार में ही प्रोग्राम है। साथ ही जो चौथा प्रोग्राम है उनका जो कंट्री में होना है, रविदास जी की जो जीवन है, रविदास जी जो है उनके जीवन पर एक फिल्म बनी है, उसी पर ही आज उसका आयोजन किया गया है, उसी प्रोग्राम को लेकर आज उसमें भी शिरकत करने सीएम जी जाएंगे। आज हरिद्वार में 4 उनके प्रोग्राम है जिनमें उन्होंने शिरकत की है। जी तनवीर, साथ ही साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इन कार्यक्रमों के मंच से सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत या बाकी मंत्रियों ने क्या जनता के लिए भी कुछ बात कही है, कुछ मैसेज छोड़ा है? ये आम आदमी कहीं ना कहीं हर जगह अपनी समस्याओं को लेकर पहुंच रहे हैं, कहीं ना कहीं आश्वासन की बात भी की जा रही है। बात करें अगर हम शिडकुल के आसपास जितने भी ग्रामीण इलाके हैं आज के टाइम में बहुत ज्यादा परेशानी में, खासतौर से हम बात करें सड़क की, सड़कें बिल्कुल जर्जर हालत में है। रानीपुर विधानसभा की विधायक अपनी बात रख रहे हैं, साथ ही स्थानीय लोग भी कहीं ना कहीं इन समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराने आए हैं कि जल्द से जल्द जितनी भी समस्याएं हैं ग्रामीणों को शिडकुल के द्वारा जितना भी व्यापार के अलावा जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है सबको उससे उनको रूबरू कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आश्वासन दिया जा रहा है स्थानीय विधायक द्वारा, और शायद मुख्यमंत्री भी किसी चीज की घोषणा करें जो राहत की सांस मिल सके ग्रामीणों को। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया तनवीर।